साथ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। और इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, साथ में इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा तेल। तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे मूंगफली। तो आधा कप के करीब मैंने ये मूंगफली ली है। और सबसे पहले यहाँ पर मूंगफली को रोस्ट करना है। गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए मूंगफली को रोस्ट कर लेंगे पहले। और यहाँ पर हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई है, तो इस मूंगफली को हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से। मूंगफली को कढ़ाई से निकालने के बाद 1 टेबल स्पून के करीब तेल इसमें फिर डालेंगे। तो बहुत ही थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे सरसों के दाने। तो यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच ये सरसों के दाने डाल रही हूँ। साथ में यहाँ पर ऐड कर देंगे करी पत्ते। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और प्याज। प्याज के सॉफ्ट होने तक इसे हम भूनेंगे। तो हल्का ही सा सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, जिसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। साथ में डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, तो ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। इसके साथ ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर ये नमक भी मैंने डाल दिया है। मिला देंगे सभी चीज़ों को। और मिलाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ मूंग। तो यहाँ पर मैंने ये मूंग ले लिया है और 1 कप मूंग डालेंगे। तो अभी ये आधा कप है और थोड़े थोड़े स्प्राउट आ गए हैं इसमें, तो स्प्राउटेड मूंग यहाँ पर लेना है। तो टोटल 1 कप के करीब मूंग मैंने इसमें डाल दिया है। 2 मिनट के करीब हम मूंग के साथ भी भून लेंगे मसाले को। तो केवल 2 ही मिनट भूनेंगे, मूंग हमारा जो है पक जाएगा आराम से। और इसे कवर कर देते हैं 1 मिनट के लिए, फिर दोबारा से 1 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। तो यहाँ पर एक बार के हम चला देते हैं, दोबारा से कवर कर देंगे। टोटल 2 मिनट हो गए हैं मूंग को मुझे पकाते हुए। इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पोहे। तो 1 कप के करीब मैंने पोहे पहले से भिगो के रखे थे, ये पोहे इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिला देंगे इसे। मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पे हम पोहे को भून लेंगे। यहाँ पर मैंने पोहे को 2 से 3 मिनट भून लिया है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ मूंगफली जो हमने पहले से ही रोस्ट करके रखी है, इसे भी मिला देंगे। और ये हमारा जो नाश्ता है तैयार हो गया। अगर आपके पास हरा धनिया है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और साथ में हेल्दी भी है। तो ये हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से ये नाश्ता आप ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमारा ये नाश्ता बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से आप ये नाश्ता बनाएं और अच्छा लगने पर फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।